हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मैं बहुत ही गजब की रेसिपी बनाने वाली हूँ, जिसे आप लोगों ने शायद पहले सुना होगा। तो मैं यहाँ फरा बनाने वाली हूँ, जो हमारी यूपी में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आज मैंने ये लिया है चने की दाल, और ये चने की दाल आधा कप है, और साथ ही मैंने लिया है उड़द की दाल, ये भी आधा कप है, जिसे मैंने अच्छे से धो करके 2 घंटे के लिए सोख होने रख दिया था। अब इसे हम पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, आप इसे बनाइए, खाइए। ये फारा की रेसिपी फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही शानदार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत मिनटों में ये झटपट बन के तैयार हो जाती है बिना किसी झंझट के। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात है कि आप इसे बना के या तो ग्रीन चटनी, मीठी चटनी, या आप सब्जी के साथ, किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं। डिनर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कुछ फरे आपके बच जाते हैं तो आप इसे ब्रेकफास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अच्छी बात ये है कि ये स्टीम करके बनाया जाता है। आपको अगर ज़ीरो ऑयल में खाना है तो आप इसे खा सकते हैं, और अगर आपको तला हुआ पसंद है तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, स्लो फ्राई भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से इसे बना के खा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर का जार और दोनों को हम पीस लेंगे। तो ये हमारा साफ पानी है, तो बस इसमें से हम इसे छान करके निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, इसे बहुत महीन पीसने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे दरदरा पीसेंगे तो भी चलेगा। ये मैंने चने की दाल ले ली है, और इसमें अब हम डालेंगे जीरा, इसमें डालेंगे लगभग 1 टीस्पून। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च, आप चाहे तो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काली मिर्च पाउडर का, वो भी चलेगा। अब इसमें डालेंगे हम 3 हरी मिर्च, आप मिर्च को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और साथ ही इसमें डालेंगे हम खूब सारा लहसुन, और बस इसका हम दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे, और इसे भी हम पीस लेंगे ऐसे ही। लेकिन इसे इसमें अब कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, जितना हमने डाला है इन दोनों के हिसाब से एकदम बराबर है। और फ्रेंड्स, इसमें हमने ना नमक डाला है ना मसाला डाला है। नमक हम बाद में डालेंगे जब हम इसका बैटर कंप्लीट कर लेंगे, जब हमको स्टीम करना होगा तब हम इसमें नमक डालेंगे। पहले अगर नमक हम डालते हैं तो ये पानी छोड़ देगा और ये अच्छा नहीं बनेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब इसे हम बारीक पीस लेंगे। अब हम लेंगे एक बर्तन और इसको हम शिफ्ट कर देंगे, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम बारीक नहीं हुआ है, थोड़ा दरदरा ही है। और अब इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे, और हमने इसमें फ्रेंड्स पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप भी कोशिश करिएगा कि पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें और ऐसे ही इसे दरदरा पीस लें। और अगर कुछ दालें इसमें खड़ी रह जाती हैं तो कोई बात नहीं है, और देखिए इसमें कुछ दालें खड़ी खड़ी हैं तो कोई बात नहीं। अब इसे हम रख देंगे साइड पर, और ये जो उड़द है इसे भी हम पानी छान करके जार में डाल देंगे। इसमें अब हमें कुछ नहीं ऐड करना है क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें डाल चुके हैं, तो अब इसे हम पीस लेंगे दरदरा। ये देखिए, ये भी पीस चुका है, और इसे भी हम निकाल लेंगे। अभी हमारा पीस चुका है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी इसमें फ्रेंड्स हमने कोई भी नमक मसाला कुछ भी ऐड नहीं किया है, जो हमने खड़े मसाले डाले थे सिर्फ वही है। और साथ ही इसमें हम हींग ऐड कर देंगे, हींग ऐड करना बहुत ज़रूरी है, इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बढ़ जाएगा और डाइजेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा है, तो हींग ज़रूर ऐड करें बस। और इसे हम ढक करके रख देंगे। अब हम तैयारी करते हैं अपने डो की। अब इसको डो के लिए फ्रेंड्स हम लेंगे यहाँ 1 कप आटा। आप सोच रहे होंगे मेरा बर्तन कितना गंदा है, तो ऐसा नहीं है, मैंने अभी अभी इसमें आटा गूंथा था, शाम के खाने की तैयारी कर रही थी मैं, तो मैंने रोटी का आटा लगाया था, तो उसी बर्तन में मैं यहाँ ये ले रही हूँ 1 कप आटा, और ये 2 कप। 2 कप आटा लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम चावल का आटा, और यहाँ 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने चावल लिया है, और इसे मैं घर में ही पीसूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स चावल का आटा मेरा ख़त्म हो गया है, तो इसे मैं घर पे ही बना लूँगी। तो छोटा वाला मिक्सर का जार लूँगी और उसी में मैं इसे बारीक इसको पीस लूँगी।
और पीसने के बाद देखिए कितना पाउडर फॉर्म में हो गया है। अब इसमें हम इसको ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालिएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग। और बस इसको हम बहुत अच्छे से हाथों से ही मिक्स कर लेंगे। अब हम लेंगे एक कप पानी और इसी के साथ हम इसका डो लगा लेंगे। इसमें फ्रेंड्स बहुत हार्ड डो नहीं लगाना है और बहुत लूज नहीं लगाना है, मीडियम कंसिस्टेंसी का लगाना है। और फ्रेंड्स ये पानी गुनगुना नहीं है, रूम टेम्परेचर का पानी है। आप चाहें तो चावल के आटे से भी इसका डो लगा सकते हैं, पर मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा भी लिया है। अब हम पानी थोड़ा सा और लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसका डो लगा लेंगे हम। इसको अच्छे से हम गूंथ लेंगे, जैसे रोटी के लिए हम आटा लगाते हैं अच्छे से गूंथते हैं, वैसे इसे भी गूंथ लेना है। और ये देखिए इसका मैंने स्मूथ सा डो बना लिया है, इसी तरह आपको भी लगाना है। ये देखिए बस ये हो गया है। अब इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। और अब हम देख लेते हैं हमारा था, उसे मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए देखिए फिलिंग भी हमारा अच्छे से हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम नमक, और सबसे पहले हमें इसे बनाने के बाद स्टीम करना है, तो हम स्टीम के लिए एक बर्तन में पानी डाल करके हम उसे गर्म होने रख देते हैं, तब तक हम इसकी तैयारी करेंगे, उसके बाद हम इसकी तैयारी करेंगे। तो दाल हमने पीस रखा है, इसमें डालेंगे हम नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ ही थोड़ा सा ये सब्जी मसाला हो, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लगभग हाफ टी स्पून है, थोड़ा सा गरम मसाला, ये मेरे घर का पिसा हुआ है। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। वैसे मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी पोस्ट की हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी भी डाल दीजिएगा। और अब हम इन सभी मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप इसका नमक एक बार टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, नमक अभी बहुत कम है तो नमक इसमें मैं और ऐड करूँगी। और इसे फिर से एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और फिर से एक बार इसका नमक टेस्ट कर लेंगे। अब नमक इसका बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम बनाते हैं अपने फरा को। ये ले लिया हमने डो और इसे एक बार अच्छे से फिर गूंथ लेंगे। और अब लेंगे हम एक छोटा सा पेड़ा और इसको ऐसे ही हाथों से बना लेंगे। इसे बहुत मोटा और बहुत पतला नहीं रखेंगे, मीडियम में रखेंगे। इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा हमें देखिए इतनी रखनी है, अगर बहुत पतला कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा और बहुत मोटा कर देंगे तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। और इसमें भर के आप फिलिंग को डालिए। आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से। इसी तरह हम और तैयार कर लेंगे।
बर्तन लेंगे और इसको हमने ऑयल से ग्रीस कर दिया है। और ये देखिए हमने इतना सारा बना के तैयार कर लिया है। अब इसको स्टीम करेंगे। अब ये देखिए उबल रहा है। अब इस पर लगाएंगे हम छन्नी और इस पर रखेंगे हम अपने फारा को, या आप जो बोलते हैं फारा, और इसको ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम रख लेंगे। देखिए कुछ मैंने बनाया है थोड़ा सा ओपन करके और कुछ मैंने बनाया है अच्छे से उसे सील करके। देखिए इस तरीके से मैंने कुछ बड़े साइज़ के फारा बनाया है और कुछ मीडियम छोटे छोटे साइज़ का, और जितना इसमें आएगा इसकी कैपेसिटी के हिसाब से मैं उतने ही फरे रखूँगी, बहुत ज़्यादा मैं नहीं रखूँगी। जितना इसमें एडजस्ट हो पाएगा उतना ही मैं रखूँगी और एक और रखूँगी बस, और इसको मैं अच्छे से ढक दूँगी। अब 10 से 15 मिनट तक हम इसे ऐसे ही ढककर स्टीम होने देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं। अब इसे हम चेक कर लेते हैं, ये बहुत अच्छे से हो गया, और इसे हम निकाल देंगे प्लेट को। और ये बहुत गर्म है, बहुत ध्यान से आप निकालिएगा, हाथ जले ना। और ये देखिए कितना अच्छा हो गया है। अब इसे भी हम रख देंगे इस पर। अब हम लेंगे एक प्लेट और उसमें रखेंगे हम अपने फरा को। और इसे हम कट करेंगे, जितना बड़ा पीस चाहिए हम उसके हिसाब से इसे कट कर लेंगे। तो हम इसे दो भागों में कट करेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से हो गया है। इसी तरह हम सारे फरे को कट कर लेंगे। देखिए हमने सारे फरे को कट कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा, आप चाहें तो ऐसे भी इसको ग्रीन चटनी, सब्जी या इमली की चटनी किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं, पर इसे हम थोड़ा सा सेल्फ फ्राई कर लेंगे। अब एक कढ़ाई हम गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालेंगे, और इसकी फ्लेम को हम तेज कर देंगे। और इसमें डाल देंगे हम अपने फरे को। एक सर्विंग प्लेट पे इसे निकाल लेंगे। तो देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। और फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने फारा को कितना इजी वे में आपको बताया है। ये बहुत ही इंस्टेंट बनके तैयार हो जाती है और आप जब चाहें तब इसे बना के खा सकते हैं। और प्रोटीन से भरपूर तो है ही है, क्योंकि इसमें दो तरह की दालें मिली हुई हैं। तो आप इसे बनाइए, खाइए और इंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स आप किस शहर से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी कौन सी वीडियो आपको अच्छी लगती है ये भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और देखिए मैंने इसे ग्रीन चटनी और रेड चटनी के साथ सर्व किया है, और इसे मैंने इवनिंग स्नैक्स के रूप में खाया है। तो आप चाहे तो इसे डिनर में भी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इसे सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो ऐसे ही बनाइए, खाइए और इंजॉय करिए, और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।